देश को दो जगहों से बदला जा सकता है, एक बिल्कुल नीचे मजदूर किसान क्रांतियां, और एक ऊपर से आईएएस आईपीएस आईआरएस। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग आईएएस बनेंगे। पर आप ही क्यों बनेंगे? आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं बनेगा? ऐसा क्या खास है आप? हाँ, तुम ही क्यों बनोगे? तुम्हारे बगल वाला क्यों नहीं बनेगा? सर, अच्छे से पढ़ेगा तो वो भी बन सकता है। अरे एक ही सीट हुआ, फिर मैं ही बनूंगा। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं, तुम क्यों बनोगे भाई? क्या खास है तुम्हारे अंदर ऐसा? ऑनेस्टी से यूपीएससी नहीं निकलता है। सर, माई डिजायर टू चेंज द सिस्टम। सिस्टम में घुसेंगे तब तो सिस्टम चेंज करेंगे। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। बैठो। हाँ, नेक्स्ट। सर, पॉजिटिव अप्रोच अधूरा है। दुनिया का सेकंड टफेस्ट और इंडिया का ओल्डेस्ट कंपेरेटिव एग्जाम है भाई। हलवा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। सर, डेडिकेशन। डेडिकेशन और कोई? सर, देश की सेवा का जुनून। सर याद था सर। सर हाँ, इंटेलिजेंट। अच्छा, टीचर भी तो होना चाहिए सर। अभी एस्पिरेंट का बात चल रहा है, जब टीचर का बात होगा तो बात करेंगे। मुझसे बेटर टीचर चाहिए तो अनअकैडमी पे पढ़ो। अब आप भी मुझसे थोड़ा ही बेटर टीचर है, ज्यादा नहीं। आप भी तो एक्सेलेंट टीचर है सर, तभी तो अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ। अरे लव यू टू। अच्छा, बैक टू क्वेश्चन। हाँ सर, आता था सर। सर, पेशेंस। पेशेंस। सर, परसीवरेंस। परसीवरेंस। हाँ, और तुमने क्या बोला था? डेडिकेशन। यस यस यस, पेशेंस, परसीवरेंस, डेडिकेशन, ये जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा ना, बन जाएगा आईएएस। कछुआ जानते हो? कछुआ नॉर्मल रेस नहीं है भाई, ये मैराथन है। खरगोश नहीं जीतता, यहां जीतता है कछुआ। कछुआ बनो। मैक्सिमम लोग थक के हार जाता है, टूट जाता है, भाग जाता है। और ये जो राजेंद्र नगर है ना, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहां पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगा। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। ये यूपीएससी का एग्जाम ना, फिजिकली नहीं, मेंटली भी चूस लेता। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है, इतना पढ़ के भी ना खाली लगता है अंदर से। मेहनत कोई नहीं देखता है, लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना, तो कर नहीं पाया। और आप में से 99.9% लोग आईएएस नहीं बनने वाले। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। आप कितना लोग बैठते हैं? 12 लाख। प्रीलिम्स का बाद कितना? 15,000। मेंस का बाद 3,000 लोग बसता है। इंटरव्यू के बाद 1,000 में मैक्सिमम नंबर बोल रहा हूं। यानी इस क्लासरूम में तुम में से शायद कोई एक आधा आईएएस बन जाए, शायद, गारंटी नहीं है। डर गए हैं? लग रहा है अरे सर तो डीमोरलाइज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। लेकिन इसका बावजूद आप तैयारी करोगे, आप पढ़ोगे, आप एग्जाम दोगे, एंड दैट मेक्स यू अ वर्दी यूपीएससी एस्पिरेंट। टफ है यार यूपीएससी का एग्जाम, टफ है, सबको पता है यूपीएससी का एग्जाम टफ। पर यूपीएससी इतना टफ एग्जाम क्यों लेता है?
क्योंकि वो चाहता है कि प्रेशर आपका आदत बन जाए। ये जो प्रेपरेशन है ना, ये प्रेशर को लाइफस्टाइल का पार्ट बना देगा। लबासना से शुरू नहीं होता यूपीएससी का ट्रेनिंग, यहाँ से शुरू होता है प्रेपरेशन से। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है गाइस, क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी की बागडोर संभालनी है। और यूपीएससी आपको कुछ सोच कर चुनेगा, आपको उसकी सोच को समझना। जब अंग्रेज गए थे ना भारत छोड़कर, तो दूसरा रेलवे के अलावा जो दूसरा बेहतरीन चीज छोड़कर गए थे वो था यूपीएससी। और तुम कहां हो? तुम हो यूपीएससी का मक्कान, ओल्ड राजेंद्र नगर। कभी वक्त मिले ना तो इसे ऊंचाइयों से देखना। लाखों सपनों का समंदर मेरे कछुओं, डूब जाओ इसमें, खोज लाओ अपना अपना।